जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, शेयर बाजार के इतिहास में सेंसेक्स ने पहली बार कितने हजार का आंकड़ा पार किया है? ए 58,000, बी 56,000, सी 54,000 या डी 52,000। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787, 7325052437। कोरोना जांच के धांधली मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस पर कर रही है कार्य। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भागलपुर पहुंचे, जहां परिसदन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि कोरोना जांच के मामले में केंद्र और राज्य सरकार सख्त कदम उठा रही है। जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार सहित देश के किसी भी राज्य में इस तरह की गड़बड़ी को लेकर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही। जैसे भारत सरकार को संज्ञान में आया, क्योंकि हम डेली का डेली रिपोर्ट मंगवाते हैं और ये जैसे ही संज्ञान में आया, नहीं भारतपुर में कहीं किसी प्रकार की, मैं आज भी बैठक में पूछा हूँ, सिविल सर्जन प्रभारी जो थे और सुप्रिंटेंडेंट सब लोगों ने बताया कि यहाँ किसी प्रकार की अभी तक कोई गड़बड़ी नहीं है भगवत कृपा से। और जो जमुई में या जहाँ भी सिकंदरा में आपने कहा, तुरंत हम लोगों ने संज्ञान लिया। आज से 5-7 दिन पहले 6 दिन पहले हम स्वयं बैठक कर रहे थे दिल्ली में और तुरंत वहाँ से राज्य सरकार के स्वास्थ्य प्रधान सचिव को, चीफ सेक्रेटरी को संज्ञान में दिया और मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ने तुरंत ही उसको लेते हुए और हमने उसी दिन कहा कि इस पर कार्रवाई हो। और 7 जो सस्पेंड हुए हैं उसमें मतलब इन तमाम लोगों को कोई भी किसी भी कीमत पर कोविड के साथ कोई भी करप्शन का मामला हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। और देश में पूरी तरह से जो दुनिया में विश्वास पैदा हुआ है, भारत के बारे में जो विश्वास पैदा हुआ है वह विश्वास अमिट है और इसलिए इस पर किसी प्रकार का जीरो टॉलरेंस। भागलपुर में एक ही नंबर से कई लोगों का कराना, और कैसे सिविल सर्जन या अधीक्षक महोदय कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है? नहीं देखिए, एक ही नंबर से कराना अलग बात है, नंबर एक हो सकता है, एक परिवार में एक नंबर भी देते हैं तो 5-7-10 परिवार का नंबर से 500 लोगों को किया नहीं, 500 परिवार का जहाँ होगा। इसलिए बिहार सरकार उसकी पूरी तरह से सभी जिले में, हमें केंद्र सरकार को ये आश्वस्त किया है, हमने बिहार सरकार से आग्रह किया था कि इस प्रकार की चीज़ें कुछ जिलों में आई है और उसकी जांच करिए और पूरी सघन जांच हो उच्च स्तर पर, और जिला प्रशासन को, जिलाधिकारी को भी सब जगह हिदायत किया गया है कि इस प्रकार का कहीं भी कोई चीज़ मिलता है तो तुरंत उस पर कड़ी कार्रवाई करने का, और सरकार, बिहार सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है उस दिशा में, इसलिए मैंने कहा इस पर जीरो टॉलरेंस। भागलपुर का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9669048177, 7992499821। भागलपुर उत्पाद विभाग और जगदीशपुर पुलिस को नहीं मिली सफलता। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के योगीवीर अंगारी एवं मखना गांव में उत्पाद विभाग की टीम और जगदीशपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से ताबड़तोड़ छापेमारी कर शराब माफिया के विरुद्ध अभियान चलाया, लेकिन हाथी के दांत दिखने के और खाने के अलग अलग साबित हुए। उत्पाद विभाग की टीम 4 वाहन पुलिस लेकर छापेमारी को पहुंची, लेकिन अजूब की बात यह रही कि उनके हाथ कुछ न लगा, जबकि बिहार में बच्चा बच्चा जानता होगा कि शराबबंदी है और शराब बिकती भी है।
शराब लोग खुलेआम भले नहीं पीते हों, लेकिन लोग शराब पीते हैं और होम डिलीवरी भी होती है। शराबबंदी के लिए सरकार ने जिस मशीनरी को बना रखा है, उसके द्वारा जांच किए जाने पर कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाना समाज के आम लोगों के लिए कितने गले उतरती होगी, यह खुद उत्पाद विभाग की टीम भी जानती है। बहरहाल उत्पाद विभाग भागलपुर की टीम ने जगदीशपुर प्रखंड में दस्तक देकर शराब माफिया और शराब भट्टी वालों को चेता दिया है कि शराब नहीं बेचना है। सूत्रों के मुताबिक अंगारी, योगी बीर और मखना में शराब बनता है, यह हर कोई जानता है सिवाय उत्पाद विभाग की टीम के। क्या कर गया इस सब घर से हो? नाम बता दो फिर घर गेला जने दारू दिस ना। हां दारू बंद नाम अरे दारू हम बोलिए पहले। नवगछिया खैरपुर कदवा से पंकज, जमुनिया से अजय व ढोलबजा से खोखा मंडल अध्यक्ष पद पर हुए निर्वाचित। नवगछिया प्रखंड के 3 पंचायत में पैक्स चुनाव को लेकर सोमवार को हुए मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। तीनों पैक्स में ऑल ओवर 59% मतदाताओं ने अपने मतदान किए। वही मतदान की प्रक्रिया संपन्न होने के साथ ही संध्या समय नवगछिया प्रखंड मुख्यालय में वीडियो सह निर्वाचित पदाधिकारी प्रशांत कुमार की देखरेख में मतगणना की प्रक्रिया आरम्भ हुई। सर्वप्रथम खैरपुर पंचायत के पैक्स की मतगणना हुई, जिसमें पैक्स अध्यक्ष पद पर पंकज कुमार जायसवाल विजय हुए, उन्हें 821 मत प्राप्त हुए, जबकि दूसरे स्थान पर हरिश्चंद्र मंडल को 132 मत प्राप्त हुए। वहीं 49 मत रद्द घोषित किए गए। खैरपुर कदवा पंचायत में कुल 1467 मतदाताओं में से 999 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। जमुनिया पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पद पर अजय कुमार सिंह विजय हुए, इन्हें कुल 699 मत प्राप्त हुए, जबकि दूसरे स्थान पर रहे मुकेश सिंह को 232 मत प्राप्त हुए। वहीं 36 मत रद्द घोषित किए गए। जमुनिया पंचायत में कुल 1914 मतदाताओं में से 967 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। ढोलबजा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पद पर खोखा मंडल विजय हुए, उन्हें कुल 267 मत प्राप्त हुए, जबकि दूसरे स्थान पर रहे कुमार रामानंद सागर को 232 मत प्राप्त हुए, जबकि 33 मत रद्द घोषित किए गए। ढोलबज्जा पंचायत में कुल 1521 मतदाताओं में से 895 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। निर्वाचन पदाधिकारी सह वीडियो प्रशांत कुमार ने बताया कि सभी निर्वाचित हुए नए पदाधिकारी को प्रमाण पत्र देकर गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। गोटी से प्रबंध समिति के सदस्य के अभ्यर्थी विज्ञान भूषण, इनको कुल मत प्राप्त हुआ 485। दूसरे अभ्यर्थी है सुनील कुमार, इनको कुल मत प्राप्त हुए 281। इस प्रकार ढोलबज्जा पैक्स के अति पिछड़ा वर्ग कोटि से प्रबंध समिति के सदस्य के रूप में विज्ञान भूषण को निर्वाचित घोषित किया जाता है। ढोलबज्जा पैक्स के अध्यक्ष पद के लिए मतगणना समाप्त होने के उपरांत कुमार रामानंद को कुल मत प्राप्त हुए 232। दूसरे अभ्यर्थी खोखा मंडल, इनको कुल मत प्राप्त हुए 267। तीसरे अभ्यर्थी प्रदीप कुमार गुप्ता, इनको कुल मत प्राप्त हुए 136। चौथे अभ्यर्थी श्री विपिन गुप्ता, इनको कुल मत प्राप्त हुए 73। और अंतिम अभ्यर्थी है सबरी राम, इनको कुल मत प्राप्त हुए 154। इस प्रकार खोखा मंडल को ढोलबज्जा पैक्स के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किया जाता है। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आया है और काउंटिंग भी अब देख रहे हैं कि खत्म हो चुका है, क्लियर विनर्स हैं सब में, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना किसी को इस प्रकार का कोई आपत्ति दर्ज किया है। तो और आप लोग का भी अच्छा ये रहा सहयोग कि वोटिंग परसेंटेज ये सब भी काफ़ी अच्छा ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर विजयी में कौन कौन हुए है? विजयी में पंकज हैं और उपा जी हैं, बस सब लोगों को बस लास्ट सर्टिफिकेट अभी दे दे रहे हैं। सभी लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा? हाँ। अपना परिचय सर लोगों? मैं जोनल यहाँ पर मजिस्ट्रेट हूँ मृत्युंजय, और यहाँ का प्रखंड और अंचल का वरीय प्रभारी।
पानी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। रंगरा सदुहा से राजेश्वर और तिनटेंगा दियारा दक्षिण से सिकंदर दास बने पैक्स अध्यक्ष। नौगछिया के रंगरा चौक प्रखंड के दो पंचायत में हुए पैक्स चुनाव के बाद देर शाम मतगणना के बाद सदुहा छापर पंचायत से राजेश्वर प्रसाद यादव निर्वाचित घोषित किए गए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मुकेश कुमार को पराजित किया है। तिनटेंगा दियारा दक्षिण से सिकंदर दास निर्वाचित घोषित किए गए हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी विनोद कुमार मंडल को पराजित किया है। देर शाम निर्वाचित पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने दोनों प्रत्याशियों के निर्वाचित होने की घोषणा की। इसके पूर्व दोनों पंचायतों में पैक्स चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। प्रखंड व अनुमंडल स्तर के पदाधिकारी चुनाव के दौरान बूथों का जायजा लेते रहे। गोपालपुर उप विकास आयुक्त सुनील कुमार ने नवनिर्मित IT भवन का किया निरीक्षण। उप विकास आयुक्त सुनील कुमार ने सोमवार की दोपहर को करोड़ों रुपए की लागत से बने IT भवन का निरीक्षण अधिकारियों के संग किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान IT भवन में बंद पड़े लिफ्ट के बारे में वीडियो प्रियंका से जानकारी ली। DDC सुनील कुमार प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि PM आवास योजना, 7 निश्चय योजना व मनरेगा में बड़े पैमाने पर ग्रामीणों से मिली शिकायत के आलोक में जांच करवाया जा रहा है। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित कर्मियों पर कड़ी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौके पर नौगछिया SP सुशांत कुमार सरोज, वरीय उप समाहर्ता सह गोपालपुर के प्रभारी पदाधिकारी मोहम्मद मोइजिया, CO मोहम्मद फिरोज इकबाल, थाना अध्यक्ष भरत भूषण वगैरह की मौजूदगी देखी गई। हालांकि DDC के अचानक गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय में आने की सूचना से कर्मियों में हड़कंप मच गया। कई विभागों के कर्मी DDC के पहुंचने के बाद पहुंचे थे। वहीं उप विकास आयुक्त सुनील कुमार ने नौगछिया SP सुशांत कुमार सरोज के साथ पैक्स उपचुनाव में मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। सैदपुर उच्च विद्यालय, बाबू टोला कमलाकुंड मध्य विद्यालय व बुनियादी उच्च विद्यालय स्थित मतदान केंद्रों का भी निरीक्षण किया। पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि शांतिपूर्ण व स्वच्छ वातावरण में मतदान हुआ है। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉनवेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। गोपालपुर अभय बने सैदपुर पैक्स अध्यक्ष। गोपालपुर के सैदपुर पैक्स अध्यक्ष पद पर अभय कुमार निर्वाचित घोषित किए गए हैं। उक्त जानकारी वीडियो से निर्वाचित पदाधिकारी प्रियंका ने देते हुए बताया कि अभय कुमार को 571 मत व इनके निकटतम प्रतिद्वंदी विभास कुमार भारती को 191 मत प्राप्त हुए। तिनटेंगा करारी व बाबू टोला कमलाकुंड पैक्स चुनाव का परिणाम समाचार लिखे जाने तक घोषित नहीं किया गया था। नवगछिया CCTV कैमरे की निगरानी में होगी मैट्रिक की परीक्षा, सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। नवगछिया मंडल कार्यालय में सोमवार को SDO अखिलेश कुमार की अध्यक्षता में मैट्रिक की परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराने को लेकर केंद्र अधीक्षकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में SDO ने मैट्रिक परीक्षा को लेकर केंद्र अधीक्षक को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि मैट्रिक परीक्षा के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। इसको लेकर परीक्षा केंद्र पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी परीक्षा केंद्र बालिकाओं के रहने के कारण महिला पुलिस बल को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी वरीय स्टैटिक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति रहेगी। सभी केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। CCTV कैमरे की निगरानी में परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इसके साथ ही वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था परीक्षा केंद्रों पर रहेगी। परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू रहेगा। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों को मुख्य गेट के पास ही जांच कर परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षार्थियों की जांच के लिए महिला पर्यवेक्षक को प्रतिनियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी केंद्र पर अगर परीक्षार्थी परीक्षा देने के दौरान कदाचार करते पकड़े जाते हैं तो परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक एवं
उक्त कमरे के वीक्षक पर कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा केंद्र पर वीक्षक भी अपने साथ मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले जाएंगे। एसडीओ ने कहा कि परीक्षा को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं बताते चलें कि नौगछिया अनुमंडल में मैट्रिक की परीक्षा को लेकर 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। नौगछिया में बनाए गए सभी 9 केंद्रों पर होने वाली मैट्रिक की परीक्षा में 4567 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया, नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया मैट्रिक परीक्षा को लेकर नवगछिया के सभी केंद्रों का जिला शिक्षा पदाधिकारी ने लिया जायजा। मैट्रिक परीक्षा को लेकर नवगछिया के सभी केंद्रों का जायजा सोमवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार ने लिया है। जायजा लेने के दौरान सावित्री पब्लिक स्कूल में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि यहां के सभी केंद्रों का व्यवस्था ठीक ठाक है। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर सभी केंद्राधीक्षकों को खास निर्देश दिया गया है। परीक्षार्थी एक दूसरे से दूरी बनाकर परीक्षा कक्ष में बैठेंगे और डिस्टेंसिंग में ही प्रवेश और निकास होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि परीक्षा पूरी तरह से कदाचार और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि वीक्षकों को परीक्षा कक्ष का माहौल भयावह न बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए परीक्षार्थियों के साथ वीक्षकों को सरलता पूर्वक बातचीत करने का निर्देश दिया गया है। नवगछिया के तेतरी दुर्गा मंदिर परिसर में 4-5 दुकानों में चोरी, चोरों ने उड़ाई 50,000 के सामान। नवगछिया थाना क्षेत्र के तेतरी दुर्गा मंदिर परिसर में स्थित 4-5 की दुकानों में रविवार की देर रात एक साथ चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। जानकारी मिली है कि चोरों ने करीब 50,000 के सामग्रियों की चोरी कर ली है। पीड़ित दुकानदारों में तेतरी निवासी विपिन चौरसिया, अखिलेश चौरसिया, कैलाश सिंह व लड्डू चौरसिया ने घटना की सूचना नवगछिया थाना पुलिस को दी है। सबसे ज्यादा क्षति अखिलेश चौरसिया को हुई है। उसके दुकान से चोरों ने 25,000 का सामान चुरा लिया है। चोरी की इस घटना से तेतरी दुर्गा मंदिर परिसर स्थित दुकानदारों में दहशत का माहौल है। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। रंगरा विधायक ने हर खेत पानी कार्यक्रम का किया शिलान्यास। नवगछिया के रंगरा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग के पास गोपालपुर विधानसभा के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज और गोपाल मंडल ने हर खेत पानी योजना का शिलान्यास किया है। उक्त स्थल पर पंपिंग सेट लगाया जाएगा और पंपिंग सेट तक बिजली पहुंचाया जाएगा। विधायक ने कहा कि अब किसान को पानी के लिए सोचना नहीं है, सरकार इसके लिए व्यवस्था कर रही है। वहीं मौके पर विधायक प्रतिनिधि त्रिपुरारी कुमार भारती, कृषि विभाग के कार्यक्रम पदाधिकारी सतीश कुमार, इंजीनियर जय मिश्रा, विकास सिंह, अरुण कुमार सहित कई अन्य मौजूद थे। नवगछिया 8 दिन बाद गोली लगने से घायल बुलबुल यादव की इलाज के दौरान गई जान। शनिवार को नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में सबका हुआ पोस्टमार्टम। नवगछिया के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर हाट स्थित कृषि भवन के पास स्थित चाय दुकान पर चाय पीने के दौरान अपराधियों द्वारा इस्माइलपुर के पुलकिया निवासी देश बंधु यादव उर्फ बुलबुल यादव उर्फ बुल्ला यादव को गोली मारकर घायल कर दिए जाने की घटना के 8 दिन बाद पटना IGMS में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बुलबुल यादव की मौत के बाद सोमवार की दोपहर बाद परिजनों ने उसके शव को नवगछिया लाया। नवगछिया में इस्माइलपुर पुलिस द्वारा शव का अनुमंडलीय अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने के बाद मृतक के परिजनों को सौंप दिया। मालूम हो कि 8 फरवरी की सुबह इस्माइलपुर हाट स्थित कृषि भवन के पास स्थित चाय दुकान पर चाय पीने के दौरान एक बाइक पर सवार होकर आए 2 अज्ञात अपराधियों ने बुलबुल यादव को गोली मारकर घायल कर दिया था। अपराधियों ने बुलबुल यादव को 2 गोली मारी थी, एक गोली छाती के पास और दूसरी गोली पेट में लगी थी। बुलबुल को इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज के बाद स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे पटना रेफर कर दिया गया। घटना में कुल 7 लोगों को नामजद किया गया था, जिसमें एक आरोपी मनोज मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, बाकी 6 लोग अभी भी फरार चल रहा है। पान
यानी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब वही मार्ट है आपके लिए तैयार। वही मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। वही मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान। होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249981। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान। होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीसी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249981। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंते नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513।